वी द पीपल, हम भारत के लोग। ये वीडियो स्पोक्स के लिए हैं। स्पोक्स क्योंकि मीटिंग लगा रहे हैं, मीटिंग चल रही हैं, एक्चुअल और वर्चुअल, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, कॉल पर, सब तरफ चारों तरफ मीटिंग लग रही हैं। जब वो मीटिंग लगाते हैं तो वो मीटिंग के एंकर होते हैं, यानी मीटिंग का संचालन करने वाले होते हैं, मीटिंग की देखभाल करने वाले होते हैं, मीटिंग को रोकने वाले होते हैं, मीटिंग को समझने वाले होते हैं। तो एंकर का सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या, यानी जो मीटिंग को बुलाता है, जो स्पोक्स है और जो लोगों से बात कर रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो वी द पीपल का जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका उद्देश्य है, वो उनको अच्छी तरह से डिफाइन करे, अच्छी तरह से बताए, उनके एक एक सवाल का जवाब दे। एंकर का काम होता है कि वो देखे कि उसकी सभा में, उसकी मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग वी द पीपल के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं। कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो ऑलरेडी सब कुछ जानता है तो वो बहुत थोड़े में समझ जाएगा, मगर उसको थोड़ा समय ज़्यादा दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी वी द पीपल का कंसेप्ट नहीं जानता है तो उसको 1-to-1 के अंदर वो व्यक्ति समझाएगा जो उसको लेके आया है, यानी वो फ़ोन करके उसको बात करके बताएगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। अच्छा ये रहे कि जब सभा लगे, वर्चुअल लगे या एक्चुअल लगे, तो जिनको बुलाया जाता है या तो उनको कुछ वीडियोस दे दी जाएं या उनको फ़ोन पर बता दिया जाए कि ये इस मीटिंग का उद्देश्य ऐसा होता है, इस मीटिंग में ऐसी कार्रवाई होती है। जो नए लोग आते हैं, स्पोक्स जिनको लेके आते हैं, वो जब यहाँ देखते हैं कि इंट्रोडक्शन चल रहा है और इंट्रोडक्शन के अलावा यहाँ एक घंटे तक कुछ नहीं हुआ, तो वो इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको पहले ही बताया जाए कि आपका भी इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ जुड़ने जोड़ने में हम एक दूसरे का परिचय कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा काम भी है, अगर आपकी इच्छा है तो आपको आगे बताया जा सकता है, ऐसा उनको बताना चाहिए। एंकर का काम है कि किसी भी हालत में उसकी सभा से जुड़ने जोड़ने वाले लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, और सभा में अगर 100 लोग नए आए हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए एंकर की कि 100 के 100 लोग जुड़ने चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं कि 100% लोग आए जुड़ें, मगर अधिक से अधिक लोग उस सभा में उस कंसेप्ट को समझें, जानें और उसको पहचान लें, उसकी बात करें, उसका जिक्र करें और जिनको अच्छा लगे वो जुड़ जाएं। ये एंकर का पहला और आखिरा ऑब्जेक्ट होता है। एंकर इसीलिए एंकरिंग करता है कि वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ले, क्योंकि एंकर ज़्यादा बोले या एंकर कम बोले या एंकर ना बोले या एंकर किसी और की सहायता ले या कोई और स्पोक वहाँ अपनी बात को रखे, उसे लगता है कि जिन व्यक्तियों को वो लेके आया है उनका मूड और उनका स्वभाव ऐसा है, या कोई व्यक्ति को कोई दूसरे लोग स्पोक्स पहले से जानते हैं वो परिचय कराएं, या किसी व्यक्ति को लगता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो किसी दूसरे एंकर से या दूसरे व्यक्ति से ही मानेगा तो उसको इंट्रोड्यूस कराएं। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बताना चाहता हो मगर किसी काम का ना हो, उसको रोक सकते हैं। ये सारी जितने भी उस समय की सिचुएशन और उस समय के सवाल जवाब होते हैं वो एंकरिंग के ऊपर, एंकर के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए एंकरिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर मीटिंग में जो लोग आते हैं नए, वो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है उसको देखते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है। एंकर बहुत बढ़िया बोलने वाला हो सकता है, एंकर बहुत अच्छी भाषाएं जानने वाला हो सकता है, एंकर बहुत मलाईदार भाषण देने वाला हो सकता है, एंकर बहुत ज़्यादा चमकदार हो सकता है, मगर एंकरिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि जितने लोग आए उनमें से कितने समझ के गए और कितने लोग जुड़े, वो एंकर सबसे ज़्यादा काबिल होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सके, कॉन्सेप्ट बता सके, उनको रोक के रख सके, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सके और ऐसा एक इम्प्रेशन विद द पीपल का दे। अपना इम्प्रेशन नहीं, अगर कोई एंकर अपने इम्प्रेशन के चक्कर में लग जाता है, अपनी पर्सनल बात बोलता है या अपना पर्सनल जिक्र करता है या अपना पर्सनल नाम बताता है या अपने पर्सनल काम के बारे में बताता है, उससे विद द पीपल को कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा इससे है कि वो सबसे ज़्यादा लोगों को कैसे वी द पीपल के बारे में जानकारी देने में सक्सेस होता है और सबसे ज़्यादा लोगों को वी द पीपल के बारे में उनको वहाँ जोड़ने में सक्सेसफुल होता है, उससे एंकरिंग डिसाइड होती है। आपने देखा होगा जो फिल्मी एंकरिंग होती है उनका काम होता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना या चुटकुले सुनाना, और वो उसमें अगर कामयाब रह जाते हैं तो वो अच्छे एंकर माने जाते हैं। हमारे यहाँ हंसी चुटकुले काम होना चाहिए, मगर हमारा जो मेन काम है वो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा जोड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा कामयाब होगा, वो सबसे अच्छा एंकर माना जाएगा। धन्यवाद।